हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे काइस के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली हमारी थ्योरम है, अगर X1 और X2 टू इंडिपेंडेंट काइस के वेरिएट्स हैं और उनकी डिग्री N1 एंड N2 है, तो हम ये शो करेंगे कि X1 अपॉन X2 जो एक वेरिएबल है वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा ऑफ सेकेंड काइंड, ये उसके यू और वी है। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड। तो हमें ये शो करना है कि अगर दो वेरिएबल X1 और X2 काई स्क्वेयर वेरिएट्स हैं तो जो उनकी रेशियो है इट विल फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री N1/2 कॉमा N2/2। तो ये हमारे पास दो हमारे काई स्क्वेयर वेरिएट्स हैं। हमें पता है कि जो काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका पीडीएफ का फार्मूला होता है एक्सपोनेंट e की माइनस X/2, x की पावर N/2-1 अपॉन 2 की पावर N/2 गामा फंक्शन N/2। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिया है पीडीएफ, तो साथ में dx1 लगाएगा, ये मेरा x1 का हो गया। सिमिलरली आपने x2 का बेटा पीडीएफ लिख लेना है, क्योंकि दोनों काई स्क्वेयर वेरिएट हैं तो सिर्फ डिग्री का फर्क पड़ेगा। ठीक है, एन वन एन टू हो गया, तो x1 x2 मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ज्वाइन कर लूंगा, ज्वाइंट निकाल लूंगा। तो अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है। ठीक है जी, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, पहली वैल्यू पुट कर दी गई यहां से देख के, दूसरी वैल्यू पुट कर दी गई यहां से देख के। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, टर्म्स कलेक्ट करनी है, नीचे वाली जो टर्म्स है 2 की पावर से इकट्ठी हो जाएगी, गामा फंक्शन इकट्ठे कर लिए गए, एक्सपोनेंट की टर्म ये वाली इसमें ऐड होगी, और X1 की पावर N/2-1, X2 की पावर N/2-1, dx1 dx2 आ जाएगा। और ये एक बात यहाँ पे ये भी है कि काई वन स्केयर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें x की वेरिएशन 0 से इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ पे x1 x2 0 से इन्फिनिटी लाई करने लगे, ये मेरा ज्वाइंट पीडीएफ बन गया। जब भी आपको किसी चीज का पीडीएफ, नए का पीडीएफ बनाना होता है बेटा इस चीज का, तो इसको यू मान लीजिए। तो हमारे पास ज्वाइंट पीडीएफ है, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने लगाऊं, ठीक है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में यू को मैं मानूंगा X1/X2 और v को मानूंगा x2, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ है x1 x2 का। ठीक है, तो यहां से मैं x1 x2 की वैल्यू निकाल के इसको ऊपर वाले में पुट कर दूंगा, तो उसमें मेरा नया जो पीडीएफ बनेगा u और v का बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से x1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू वी आ जाएगी। ठीक है जी, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने भी ऊपर चला गया, x1 आ गया, तो ये x2 की वैल्यू ये होगी, क्योंकि x1 x2 जीरो से इन्फिनिटी लाई करते हैं उनकी लिमिट्स, इसलिए u और v की लिमिट्स भी जीरो से इन्फिनिटी लाई करेंगी। अब मुझे जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है तो मुझे एक जकोबियन भी निकालना होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, और जकोबियन कैसे निकालते हैं, ओल्ड वेरिएबल्स का विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल्स। तो इसको खोलने का तरीका आपको पता ही है, जकोबियन का कर ली x1 का डेरिवेटिव u से, कर ली x1 का डेरिवेटिव v से, इसी तरह कर ली x2 का डेरिवेटिव u से, कर ली x2 का डेरिवेटिव v से। तो यहां पे आपके पास x1 भी है x2 भी, डेरिवेटिव्स निकाल के इसमें पुट कीजिए, ये आपके पास जकोबी आ गया। तो ये जो सारी वैल्यूस आपने निकाली है, ठीक है, इसको ऊपर वाली जो इक्वेशन हमारी बनी थी उसमें पुट कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये स्टेप, यहां पे ध्यान से देखो x1 + x2, तो ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू यहां पुट हो जाएगी, x1 की वैल्यू यहां पे पुट होगी, uv यहां पे v शुरू हो जाएगा। ठीक है, और dx1 और dx2 की जगह आएगा du dv इनटू जकोबियन। ठीक है, du dv इनटू जकोबियन, जकोबियन कितना था मेरा, v, तो साथ में यहां पे v आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सारी टर्म्स इसमें पुट कर दी, यहाँ पे जो x1 + x2 की वैल्यू पुट की गई है, uv + v, उसमें से v कॉमन ले लिया गया। ठीक है, तो अब इसमें टर्म्स इकट्ठी करनी शुरू कर देनी है आपने स्टूडेंट्स, जैसे u की पावर अलग कर दी, v की पावर अलग कर दी आपने। ठीक है, तो ऊपर वाली चीजें में ही सारा कुछ पुट करके सॉल्व करना आपने शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, ये एक्सपोनेंट की पावर बन गई, तो ये हमारा यूवी का जो है ज्वाइंट पीडीएफ बन गया है, यू और बी का। पर मुझे किसका पीडीएफ चाहिए, यू का, क्योंकि तो यू मेरा क्या है, X1/X2, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड पीडीएफ ऑफ यू X1 / X2, यानी कि मुझे ये बताना कि जो X1 X2 है वो बीटा 2 टाइप का होगा, तो
तो ये मेरा ज्वाइंट पीडीएफ है, तो ज्वाइंट पीडीएफ में से अगर मुझे यू का पीडीएफ निकालना है तो मैं इसकी इंटीग्रेशन किससे करूंगा, वी के साथ कर दूंगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन वी के साथ होगी, तो यू कॉन्स्टेंट होगा बाहर चला जाएगा। ये देखिए इसकी इंटीग्रेशन आपने वी से कर लेनी है, ठीक है। तो आपको यहां पे ये गामा फंक्शन बन रहा है आपका, तो यहां पे ये आपका गामा फंक्शन बन रहा है। तो ये हमें पता है 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस ए एक्स, एक्स की एन माइनस वन डी एक्स। इसका फार्मूला होता है गामा एन अपॉन ए की पावर एन। तो ये आपका ए हो गया, ये एक्स वेरिएबल है, तो ए की पावर एन नीचे आ गया, ये एन हो गया आपका, तो गामा एन बन गया, ठीक है जी। तो आपको पता है ये जो चीज होती है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बीटा फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे तो वो आपका बीटा फंक्शन बन गया नीचे, ठीक है। तो बाकी चीजें इसको कलेक्ट करनी पड़ेगी, ये इसने ऐसे कैसे रख लिया ये वाला सारा कुछ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा यहां से। तो अगर आपके पास देखा जाए तो ये किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना है, ये बीटा फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन बना है। क्योंकि जो बीटा फंक्शन सेकंड काइंड का होता है बेटा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो होता है एक्स की पावर m1 - 1, ये होता है। देख लेते हैं, लिख के दिखा देते हैं आपको। एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m+n, ये होता है बीटा फंक्शन सेकंड काइंड का। तो ये एक्स की पावर m-1, नीचे 1 + x m+n, तो दोनों की पावरें ऐड होगी ना यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली टर्म इसमें इग्नोर कर दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बीटा सेकंड टाइप को फॉलो करने लग गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आपको एग्जामिनेशन ट्रिक भी, अगर x1 x2 काई स्केर वेरिएट्स होते हैं तो जो x1 / x2 होएगा वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड का होएगा विद डिग्री n1/2। ये न्यूमेरिकल ट्रिक भी है यूजीसी एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है जी। अब अगली एग्जाम्पल देखिए क्या है हमारे पास थ्योरम। अगली थ्योरम है इफ x1 and x2 आर इंडिपेंडेंट काई स्केर वेरिएट्स। अब वही क्वेश्चन है, दोनों काई स्केर वेरिएट्स हैं, यू एक आपने ये डिफाइन किया, वी आपने ये डिफाइन किया। आपने शो करना है कि यू और वी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और जो यू है वो बीटा वन टाइप का होएगा और वी जो होएगा काई स्केर वेरिएट का होएगा। मतलब कि आपके पास दो वेरिएबल दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने का टेक्निक है कि दोनों का ज्वाइंट पीडीएफ बना लो पहले, ठीक है। ज्वाइंट पीडीएफ बना के फिर आपने उसको पुट कर लेना है यू और वी को, वहां से यू और वी के फंक्शंस निकाल लेने, मार्जिनल फंक्शनल्स, ठीक है जी। तो ये x1 x2 आपके पास काई स्क्वायर वेरिएट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो इस क्वेश्चन का। अगर x1 x2 काई स्क्वायर वेरिएट के हैं तो यू और वी इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यू बीटा वन टाइप का होगा, वी काई स्क्वायर टाइप का होगा। तो जैसे पहला थ्योरम किया है, दोनों के पीडीएफ लिख लिए गए हैं, दोनों को ज्वाइंट पीडीएफ बना लिया गया है, ठीक है। अब उसको यू और वी मान लेंगे, जिस चीज को प्रूव करना होता है उसको यू और वी स्मॉल मान लेने, ठीक है। तो यहाँ पे यू और वी मान लिया गया। तो अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू x1 x2, तो यहाँ पे वी पुट कर दो, तो x1 की वैल्यू यू भी होगी, ये x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहां से, ठीक है। क्योंकि x1 यू भी है तो उसमें पुट करके ये x2 की वैल्यू आ गई, ये जोकोबियन निकाल लिया, साथ में यहाँ पे v du dv आ गया, ये वैल्यूज पुट कर ली गई, ठीक है। टर्म्स अलग अलग कर लो, ये चीज अलग कर दो, v की पावर n1 + n2 माइनस 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 2 हो जाएगा, +1 इसकी पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में वहां पे v नहीं लिखा हुआ था, गलती थी, तो वहां पे साथ में v लिख लेना, तो -2 + 1 आएगा इतना ही उसमें भी। तो ये सेम आर्टिकल की तरह चल रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करके एक तरफ आपने u वाला अलग कर देना, एक तरफ v वाला अलग कर देना है, तो इसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अपने आप अलग अलग हो गया, ठीक है। तो देख के पता लग रहा है कि ये कौन सी चीज है। अगर आपको याद हो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती थी एक्स की m-1, ये फर्स्ट टाइप का होता है, ठीक है, साथ में आपका 1 / β m n। सो इसका मतलब ये जो u है ये बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट टाइप बन गया, और जो पिछले वाला है e की -x/2 x की n1 n1 + n/2 -1, ये किसका होता भाई,
दिस इज गामा फंक्शन, ये गामा वेरिएंट बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह यू और वी इंडिपेंडेंट तो होगी क्योंकि ये अलग अलग हो गए हैं, और इनके सीधे सीधे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो सीधे सीधे आपको यू और वी का पीडीएफ भी मिल गया, ये यू का पीडीएफ हो गया, ये वी का पीडीएफ हो गया। क्लियरली दिस इज बीटा वन टाइप एंड क्लियरली दिस इज बीटा टू टाइप। तो स्टूडेंट्स ये दो थ्योरम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह सिखाया गया कि अगर एक्स वन एक्स टू काइस्केर वेरिएंट्स है डिग्री एन वन एन टू के, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट्स होंगे हमारे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। तो आज की इस वीडियो